कल्पना कीजिए, जब हम कोई नशा करते हैं, जैसे कोई ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो सामान्य चीज़ें हमें असाधारण लगने लगती हैं, आम वस्तुएं अद्भुत दिखने लग जाती हैं। आखिर क्या हो रहा है? ड्रग्स हमारी आंखों से निकलने वाली कुछ आंतरिक प्रकाश को वस्तुओं पर गिरने के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन ये एक बाध्यकारी घटना है और खतरनाक भी। और प्रत्येक नशीले सफ़र के बाद तुम पहले से भी गहरे अंधकार में गिर जाते हो। और जो व्यक्ति लंबे समय से नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा है, उसकी आंखों में तुम्हें पूर्ण रिक्तता मिलेगी, क्योंकि वह अपनी आंखों से प्रकाश को खाली करता जा रहा है, जो उसे रिक्त करता जा रहा है। वह नहीं जानता कि अपने आंतरिक प्रकाश को कैसे संचालित किया जाए ताकि और अधिक प्रकाश बनाया जा सके। वह केवल इसे बहा देता है। इसलिए जो व्यक्ति ड्रग्स का सेवन करता है, वह धीरे धीरे अपनी आँखों की जीवंतता, अपनी आँखों के यौवन को खो देता है। उसकी आँखें सुस्त, अंधेरी, काले छिद्रों में बदल जाती है। ध्यान के माध्यम से बिल्कुल विपरीत होता है। जितना अधिक तुम शांत होते हो, उतना ही अधिक प्रकाश बनता है। और ये कोई बाध्यकारी घटना नहीं है, तुम्हें इतना मिलता है, एक ओवरफ्लो की स्थिति घटती है और वो तुम्हारी आंखों से बहना शुरू कर देता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ है जिसको बांटा जा सकता है। जैसे जब बादल बारिश से भरा होता है तो उसे बारिश करनी ही पड़ती है। तुम प्रकाश से भरे हुए और अधिक प्रकाश हर क्षण तुम्हें आ रहा है और इसका कोई अंत नहीं है। अब तुम बांटो ना तो करो क्या? तुम पेड़ों के साथ, चट्टानों के साथ, लोगों के साथ, जो मिल जाए उसके साथ बांटते हो। तुम अस्तित्व को देना शुरू कर देते हो। तुम इसे देखोगे, तुम्हारी आंखें प्रकाश में बदल जाएंगी। और जैसे ही आंखें प्रकाश में बदलती हैं, सारा अस्तित्व एक नए रंग, एक नई गहराई, एक नया आयाम लेता है। मानो चीज़ें अब थ्री डायमेंशनल नहीं रही बल्कि फोर डायमेंशनल हो गई। एक नया आयाम जुड़ जाता है, प्रकाश का आयाम। तुम इस प्रकाश में जीवन जीने लगते हो। इस व्यक्ति के आसपास एक प्रकाश का ओरा हो जाता है। जिनके पास देखने की आंखें हैं, वह संतों के सिर के चारों ओर, उनके शरीर के चारों ओर प्रकाश को देखेंगे। एक सूक्ष्म ओरा उन्हें घेरे रहता है। किरलियन फोटोग्राफी ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा है। उनमें से एक है कि हर चीज के चारों ओर एक सूक्ष्म ओरा होता है। हमें केवल देखने की आंख चाहिए और विभिन्न स्थितियों में ओरा बदलता है। अब ये वैज्ञानिक निष्कर्ष है। जब आप बीमार होते हैं तो आपका ओरा अलग होता है, धूमिल, उदास, बिना चमक के। यदि आप अगले 6 महीने में मरने वाले हैं तो आपका ओरा गायब हो जाता है। तब आपके शरीर के चारों ओर कोई प्रकाश नहीं होता। और यदि आप खुश हैं, आनंदित हैं, पूर्ण हैं, संतुष्ट हैं, तो ओरा और भी बड़ा, और भी अधिक उज्जवल होता है। यदि क्रिलियन फोटोग्राफी जीसस या बुद्ध जैसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वे चमत्कार को जानेंगे। तब एक शुद्धतम प्रकाश, एक ठंडे प्रकाश से मिलेंगे। जो प्रकाश है सूर्य का स्वभाव है और साथ में वो शीतल भी है, वो जलाता नहीं है। ये प्रकाश जीवन है, यही प्रेम है, यही तुम्हारी संभावना भी है। प्रणाम।